हेलो मास्टर वेलकम बैक टू अर चैनल आपका स्वागत है हमारे एनिमल क्विज पार्ट थर्टीन में आर यू रेडी यस इस क्विज के दौरान आपसे पूछे जाएंगे फाइव क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको मिलेंगे दस सेकेंड्स सो थिंक केयरफुली एन आंसर ओके लेट गेट स्टार्टेड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मैमल हैज स्ट्रॉगेस्ट बाइट इनमें से किस तनदारी जानवर की बाइट सबसे स्ट्रांग है एंड योर ऑप्शन आर ए जैगवार बी लायन सी चीता एंड डी लेट मी सी या हाइपोपटस इज अ करेक्ट आंसर आपको पता जो बाइट का स्ट्रेंथ मयर करने का यूनिट क्या है इसका यूनिट होता है पीएसआई पीएसआई आई फॉर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच

हॉर्स ऑफ रिवर्स और वी कैन से रिवर हॉर्स और इसकी एक और खास बात यह हर्बीवोरस एनिमल है और अगर हम इसको पंपकिन या फिर वाटरमेलन जैसा बहुत बड़ा फ्रूट दें तो इसको पूरा एक बाइट में खा सकता है जैसे कि हमने पिक्चर्स में दिखा रखा है इज नॉट इट इंटरेस्टिंग लेट एस मूव टू यस्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज विच रिप्टाइल हैज अट्रॉन्गेस्ट बाइट किस रेप्टाइल का बाइट सबसे स्ट्रांग है एंड योर ऑप्शन आर ए टॉट बी ब्लैक केमन सी क्रोकोडाइल एंड डी एलिगेटर क्रैकोडाइल यस क्रोकोडाइल इज अ करेक्ट आंसर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रोकोडाइल की बाइट स्ट्रेंथ होती कितनी है इसकी बाइट स्ट्रेंथ 3700 से लेकर 7,700 psi तक हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि क्रोकोडाइल की लेंथ कितनी है और उसका वेट कितना है इसकी बाइशन इतनी ज़्यादा होती है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल जैसे कि कोकोनट और बोन्स उसको बहुत इजीली क्रश कर सकता है और सबसे बड़ी बात इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि बोन्स को क्रश तो कर लेता है उसको अंदर भी ले जाता है और उसको ईजिली डाइजेस्ट भी कर सकता है इसी से रिलेटेड भागवत पुराण में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है इसमें गजेंदर नाम का एलिफेंट होता है जो बहुत ताकतवर और घमंडी होता है और उसको एक दिन एक क्रोकोडाइल उसके पैर को पकड़ लेता है और वो इतना पावरफुल एलिफेंट भी अपने पैर को छुड़ा नहीं पाता और पेन की वजह से उसके प्राण निकल जाते हैं और वो मर जाता है उज्जवलिए स्टोरी आपको इसलिए सुनाई है कि क्रोकोडाइल की बाईस स्ट्रेंथ का आप अनुमान लगा सकें और क्रोकोडाइल में भी कई कैटेगरी होती हैं उसमें जो सॉल्ट वाटर कोकोडाइल होता है उसकी बाइट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फिश हैज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट इनमें से किस मछली का बाइट सबसे स्ट्रांग होता है एंड योर ऑप्शन ओकरा बी ब्लू वेल सी स्पेल एंड डी डॉल्फिन ए ओकरा लेट अस चेक यस ओकरा इज अ करेक्ट आंसर अब मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं ओकरा वेल के बारे में सबसे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ इसकी बाइस्ट्रेंथ नाइनटीन थाउजेंड पी से भी ज़्यादा हो सकती है इसकी वजह से इसको किलर वेव भी बोलते हैं और इसकी बहुत खास बात यह है कि हाईली टेम्परेचर एरिया में भी रह सकती है और बहुत ही कोल्ड एरिया में भी रह सकती है जैसे कि एटलांटिक कॉन्टिनेंट और दूसरी खास बात ये जो किलर वेल्स होती हैं ये ग्रुप में पाई जाती हैं और एक ग्रुप में ऑलमोस्ट 40 वेल्स होती हैं और ये वेल जो होती है एक एरिया में कभी भी सेटल नहीं होती ये हमेशा मूव होती रहती है और मे बी इसके कारण ही इसमें यह कैपेबिलिटी डेवलप हो गई कि अब किसी भी टेम्परेचर में अपने आप को सेटल कर सकती है लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन इज वट इज अ बाय स्ट्रेंथ ऑफ अ ह्यूमन बींग मानव की बाइ स्ट्रेंथ कितनी होती है एंड योर ऑप्शन आर ए वन सिक्सटी पी एस आई बी थ्री हंड्रेड एस आई

टू थाउजेंड पी एस आई बी वन थाउजेंड पी एस आई सी थ्री थाउजेंड पी एस आई एंड डी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पी एस आई बी था मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये पिक्चर दिया है जिसमें पी एस आई ऑफ डिफरेंट एनिमल दिया हुआ है और इसमें ये बहुत क्लियर है की जैसे लाइन है उसका बाइट फोर्स जो थाउजेंड से काफी कम है दैट इज सिक्स हंड्रेड फिफ्टी पी एस आई तो लाइन ह्यूमन की हड्डियों को ब्रेक नहीं कर सकता है और उसके बाद देखिए हाइना गोरिल्ला हाइपो एंड क्रोकोडाइल उनका बाइट फोर्स बहुत ही ज्यादा है तो वो इजिली ह्यूमन की जो बोन्स है उनको क्रश कर सकते हैं लेट लेटेस्ट मूव टू योर कार्ड यू हैव स्कोर्ड फाइव आउट ऑफ फाइव कॉन्ग्रेचुलेशन उज्जवल हेलो व्यूअर्स आई होप दैट यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड टू बी अलाइन विद चैनल Don't forget to subscribe it and for the notification of uh, new videos, please press the bell icon. Thank you so much for watching.